हेलो दोस्तों, अगर आप आज के टाइम पर अपना खुद का कोई भी बिजनेस चलाते हो या फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं एक गुजराती बंदा हूँ और इसीलिए आज मैं आपके साथ हमारे गुजरात की एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है पर हमारे गुजरात के अंदर 1 अप्रैल न्यू ईयर बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं यार बचपन से देखता आया हूँ कि मार्च महीने में और खास करके मार्च एंडिंग के टाइम पर यहाँ के सभी बिजनेस ओनर को जितना स्ट्रेस और टेंशन अपने बिजनेस के अकाउंट्स हो गया, बैंकिंग या फिर टैक्सेस को मैनेज करने के टाइम आता है, उतना टेंशन तो यार आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। और दोस्तों, ये बात केवल ये प्रॉब्लम केवल हमारे गुजराती बिजनेस ओनर की नहीं बट पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस ओनर है, सभी लोगों की ये बहुत ही बड़ी एक समस्या बन गया है। क्योंकि यार वो सभी लोग पूरे साल इन सभी चीजों पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते और फाइनली जब भी मार्च महीना आता है और खास करके मार्च एंडिंग आता है तभी उनको अपने बिजनेस के सारे अकाउंट्स और उसी के साथ में टैक्सेस को क्लियर करना पड़ता है और उसी के चलते काफी सारे लोगों के ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने भी अपने बिजनेस के अंदर इस चीज का एक्सपीरियंस किया है पर अभी हमारे पास एक ऐसा तरीका आ गया है कि जिसकी मदद से हम इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं और यहाँ तक कि अगर हम चाहे तो मार्च एंडिंग के टाइम पर भी गोवा घूमने जा सकते हैं। क्योंकि यार अभी इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप भी अपने बिजनेस के अंदर इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, यार आज के टाइम पर आपको बिजनेस ऑटोमेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, उसका यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। और इसका सबसे मेन बेनिफिट ये होता है कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर जो डेली टास्क होते हैं जिसे हमें रोज करना पड़ता है वो सारी चीजें आप इसकी मदद से ऑटोमेटिक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर है, वो ज्यादातर फ्री रहेंगे और वो लोग काम कर सकते हैं आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका बिजनेस पूरी तरह से ऑटोमाइज हो जाएगा और उसी के साथ में आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करके उसको ग्रो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके अंदर आपकी हेल्प करता है ओपन मनी, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैक्सेस, पेरोल, एक्सपेंस जैसी काफी सारी चीजों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पर हमारे इंडिया में काफी सारे नए नए स्टार्टअप्स, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, यहाँ तक कि फ्रीलांसर्स भी अपने स्किल का यूज करके पैसे अर्न कर लेते हैं। बट यहाँ पर इन सभी लोगों को अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस के अंदर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों, अगर आप भी ऑलरेडी अपना कोई भी बिजनेस चलाते हो तो आपको भी जरूर पता होगा कि ये सारी चीजों के कारण आपको अपने बिजनेस के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपको भी हमारी तरह आज से ही अपने बिजनेस के अंदर ओपन मनी का यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पर आप अपना कोई भी बिजनेस चलाते हो या फिर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसे में ही आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि आज के टाइम के हिसाब से आपको अपने बिजनेस को पूरी तरह डिजिटली मैनेज करना पड़ेगा। अगर अभी आप सोच रहे हो कि ये पहले वाला पेन और पेपर वाला काम अभी चल जाएगा तो ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अभी आपको अपने बिजनेस की सारी चीजों को डिजिटली, यानी कि सॉफ्टवेयर या फिर फिनटेक सॉफ्टवेयर की मदद से मैनेज करना पड़ेगा। और इसके अंदर अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आज के टाइम पर मार्केट के अंदर मुझे ओपन मनी से बेस्ट सॉफ्टवेयर, फिनटेक सॉफ्टवेयर मेरे बिजनेस के लिए और कोई लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हम तो यूज कर रहे हैं बट आप भी इसका यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। और खास करके आपको ओपन मनी प्लेटफॉर्म की मदद से आपके बिजनेस के लिए एक बिजनेस बैंक अकाउंट दिया जाता है और उसी के साथ साथ में यहाँ से आपको एक बिजनेस वीजा कार्ड भी दिया जाता है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। और दोस्तों, उसी के साथ साथ में ओपन मनी की मदद से आप अपने बिजनेस के अंदर बैंकिंग, कलेक्शन,
पे आउट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, इसके अलावा टैक्सेस और अकाउंटिंग को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कुछ क्लिक्स करने के बाद एक सिंगल डैशबोर्ड की मदद से अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको ओपन मनी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करने के बाद आप इसका यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ ओपन मनी के डैशबोर्ड पर, उनके प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर ओपन की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पर आपको अपना बिजनेस अकाउंट भी मिलेगा यूज करने के लिए, और उसी के साथ में वीजा बिजनेस कार्ड भी यूज करने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस ने इंडिया के अंदर ओपन का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। पर्सनली हम भी हमारे बिजनेस के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको आपके बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर दोस्तों इसके बारे में अगर हम कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो मेन होता है बैंकिंग, जिसे आपको अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि एक बिजनेस के अंदर हमारे काफ़ी सारी अलग अलग बैंक के अंदर अकाउंट्स रहते हैं, और उन सभी को अभी तक हम क्या करते थे कि अलग अलग नेट बैंकिंग की मदद से या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद से हम उसे मैनेज करते थे। बट ओपन के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपके बिजनेस के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसे आप एक ही जगह से, यानी कि ओपन के डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, और एक ही जगह से आप अपने सारे बैंक अकाउंट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। उसके अंदर आप उसका जो भी ट्रांजैक्शन हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसका जो भी स्टेटमेंट है, वो सारी चीज़ें एक ही जगह से देख सकते हो। यानी कि आपके सारे जो भी बैंक अकाउंट है वो आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओपन की मदद से आप यहां पर अपना खुद का एक करंट अकाउंट भी बना सकते हो। इसके अंदर अगर हम यूज़ की बात करें तो यहां पर आपको एक पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट हो जाता है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी खर्चा आता है, वो भी आप यहां से मैनेज कर सकते हो, और इसका जो भी पूरा अकाउंटिंग होगा वो ऑटोमेटेड यहां पर हो जाएगा। यानी कि इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ में अगर आप यहां पर इनका करंट अकाउंट यूज़ करते हो तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें हमारे बिजनेस के अंदर पेमेंट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि काफ़ी बार हमें किसी को भी पेमेंट करना होता है, तो इसके अंदर भी ओपन आपकी हेल्प कर सकता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे, यानी कि मल्टीपल पेमेंट मेथड आपको यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप GST कंप्लाइंट इनवॉइस बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। और यहाँ पर अगर आप अपने जो भी एम्प्लॉय उसको पे आउट देना चाहते हो या फिर किसी भी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सिंगल और उसी के साथ में बल्क में पेमेंट भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी से भी पेमेंट लेना है तो यहाँ पर आप अपने खुद के एक पेमेंट लिंक जनरेट करके उनको सेंड कर सकते हो, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको डायरेक्ट पेमेंट कर सके। दोस्तों, इसके अलावा हमारे सभी के बिजनेस के अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, तो उसका पेरोल भी हमें अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका सैलरी का जो भी पेरोल होता है उसे आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो विद TDS डिडक्शन, यानी कि हम जो भी TDS काटते हैं वो भी यहाँ से अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। अगर वो कोई लीव लेते हैं तो भी आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको इजी डैशबोर्ड फॉर HR एंड फाइनेंस फंक्शन के लिए भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ओपन के अंदर यूज़ करने के लिए मिल जाती है। आपका अकाउंटिंग होगा वो सारा ऑटोमेशन की मदद से होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अगर उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको पावरफुल बुक कीपिंग, यानी कि जो हमने बात करी थी कि पेन और पेपर वाला सिस्टम अभी नहीं चलने वाला, तो यहाँ पर आपको बुक कीपिंग करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर आप सारी चीज़ें कर पाओगे। इसके अलावा आप इजी पेमेंट रिकंसलेशन कर पाओगे। आपका जो भी अकाउंट है उसके अंदर रिसीवेबल कितने हैं, पेएबल कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिंगल डैशबोर्ड की मदद से देखने को मिलेगी। और उसी के साथ में टैली का प्लगइन्स और रिपोर्ट भी आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी खर्चे आते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर वीजा बिजनेस कार्ड की मदद से कर पाओगे, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के एक्सपेंस को अच्छी तरह से ट्रैक कर पाओगे, और उसको यूज़ करने के पीछे यहाँ से आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे। और ये खास करके आज के टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं या फिर कोई भी स्मॉल या फिर मीडियम बिजनेसेस आ रहे हैं उनके लिए ही पूरी तरह से डिजाइन किया जा रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकती है। उसी के साथ में दोस्तों, आज के टाइम पर हमारी तरह काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अमेजोन के सेलर है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके अमेजोन के ऑनलाइन बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे।
और उसी के साथ साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो अपने जीएसटी या फिर टीडीएस पेमेंट को, यानी कि ये सारी चीजें ओपन की मदद से आप अपने बिजनेस में अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप भी अपने बिजनेस के अंदर ओपन मनी का यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करने के बाद आप भी हमारी तरह अपने बिजनेस के अंदर ओपन मनी का यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।